हेलो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वी एम बेस्ड आइसोलेशन के बारे में तो वी एम की मीनिंग होती है हमारी यहाँ पे वर्चुअल मशीन अब इस वीडियो के अंदर जो है, हम वर्चुअल मशीन के बारे में जानेंगे और मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक ऐसा एक्जाम्पल लेके आया जिसके हेल्प से जो है आपको वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और उसके बाद उस वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के लिए उन सभी को जो है हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट वीडियो के अंदर सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन व्हाट इज वर्चुअल मशीन कि बेसिकली वर्चुअल मशीन होता क्या है ए वर्चुअल मशीन इज ए वर्चुअल एनवायरमेंट दैट फंक्शन एज ए वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम क्रिएटेड ऑन ए फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम इस

रन किस चीज़ पे हो रहा है वो हो रहा है मेरे इस कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम पे यानी मेरे सिस्टम मेरे लैपटॉप की जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं रिक्वायरमेंट्स का यूज़ करके जो है मेरे सिस्टम के अंदर वो वर्चुअल मशीन जो है वर्चुअल सॉफ्टवेयर जो है रन करेगा और उसकी फंक्शनैलिटीज जो है होती वो डुप्लीकेट है बिकॉज आप एक्चुअल में वो सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन वो रन करती है आप ही के सिस्टम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पे ए वी एम बिहेव लाइक एन एक्चुअल कंप्यूटर दैट इज इट कैन हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन इट और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो वर्चुअल मशीन होती है हमारी वो आपको बिल्कुल एक्चुअल कंप्यूटर की तरह बिहेव करती है एक्चुअल कंप्यूटर की तरह फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करती है उसके अंदर उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है एप्लीकेशन भी होती हैं जो उस पर रन करती हैं ये जो है जब आप इसको यूज करेंगे वर्चुअल मशीन को आपको बहुत ही रियल इफेक्ट आने वाला आपको नहीं लगेगा कि आप इस चीज को आपके सिस्टम के अंदर यूज कर रहे हैं अब बिफोर आई गो टू दी एम एम सिक्योरिटी एजम्पन्स वर्चुअल मशीन के सिक्योरिटी एजम्पन से पहले है मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा जिससे आपके वर्चुअल मशीन होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है उसका कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए देखिए मैं मेरे यहाँ पे वेब ब्राउजर पे आ चुका हूँ आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं और सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया विंडोज 11 ऑनलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव हैर्च विंडोज इलेवन ऑनलाइन जैसे ही मैं इस फर्स्ट वेबसाइट विन इलेवन डॉट ब्लू एच डॉट मी पे क्लिक करूंगा जो कि जो है एक वर्चुअल मशीन है विंडोज इलेवन की अब अगर मैं आपको नॉर्मल मेरे सिस्टम की फंक्शनलिटीज दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम विंडोज टेन पे बेस्ड है जिसका सर्च आइकन जो है लेफ्ट में आता है एज यूजल आप सभी ने विंडोज टेन को यूज़ किया हुआ देखा होगा अब मैं क्या करने वाला हूँ वर्चुअल मशीन के अंदर जो है मेरा विंडोज इलेवन को यूज करने वाला हूँ अभी देखिए अब आपको लगेगा कि मैंने कोई टेम्पलेट खोल रखा है मैंने कोई वॉलपेपर खोल रखा है बट एक्चुअल में ये मेरा क्या है मेरा एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है आप देखेंगे जो मेरी नॉर्मल स्क्रीन का टाइम आता है 9:15 वही जो है मेरा यहाँ पे टाइम होगा 9:15 डेट भी सेम है 31 वन टू अब आपको ये ना लगे कि टेम्पलेट मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है इसके लिए अब जो है मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटीज़ दिखाऊंगा मैं आपको शो कर चुका हूँ मेरा सिस्टम विंडोज़ टेन पे बेस्ड है और अभी आप देखेंगे कि मैंने इस पर क्या किया सर्च बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी एक सर्च विंडो जो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ सपोज मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए सर्च करता हूँ बट जैसे मैंने ऑफ़िस टाइप किया आप देखेंगे यहाँ पर जो है मेरा ऑफिस वाली एप्लीकेशन जो है आ गई अब इसी तरीके से जो है मैं इसके अंदर जितने भी मेरी एप्लीकेशंस हैं उनको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अब देखिए जैसे मैंने मेरा नॉर्मल विंडोज़ प्रेस किया तो ये मेरे कंप्यूटर यानी विंडोज़ टेन की फंक्शनैलिटीज़ ओपन हो गई बट जब मैं इसके अंदर मेरे विन इलेवन डॉट ब्लू डॉट मी वाली वेबसाइट के अंदर ये जो मेरा वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 11 का उसको मैं अगर यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं मेरी जो भी फंक्शनलिटीज है मैं उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश हो रहा है आप देख सकते हैं अब सपोज मैं यहाँ पे कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ कंप्रेस कर सकता हूँ मेरे फोल्डर्स को डिस्प्ले सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग जो है मेरी एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई कंप्लीटली जिसके अंदर मेरे सेम जो विंडोज इलेवन की फंक्शनलिटीज है वो सभी आप देख सकते हैं ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्टिविटी पर्सनलाइजेशन अब आप देख सकते हैं सारी फीचर्स जो है मेरे विंडोज इलेवन के मेरे पास है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई वर्चुअल मशीन की वर्चुअल मशीन बिहेव लाइक एन एक्चुअल कंप्यूटर आप देखेंगे कि मैं इसमें जो भी चीजें क्लिक कर रहा हूँ जो भी चीजें मैं करना चाह रहा हूँ वो सभी जो है अब मैंने पे क्लिक किया, तो मेरी क्लोज हो गई इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनलिटीज है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अब देखिए मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं विंडोज इलेवन के एक्चुअल सिस्टम में करता बट मैं विंडोज टेन के अंदर भी ये कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वर्चुअल मशीन तो ये जो है एक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया विद द हेल्प ऑफ एक्साम्पल ऑफ विंडोज़

yeah वो हमारी बेस्ड होती है वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी एजम्पन्स पे और इसके अंदर हमारी पहली जो सिक्योरिटी आती है वो ये आती है मेलवेयर कैन इफेक्ट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गेस्ट एप्लीकेशन इट मीन्स अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मेलवेयर है कोई वायरस है तो वो जो है उस सॉफ्टवेयर को ही इन्फेक्ट करेगा रेस्ट ऑफ द सिस्टम को नहीं इफेक्ट करेगा मीन्स जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसी को इफेक्ट कर सकता है हमारा जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वो हार्म नहीं करेगा और इसके अंदर जो सेकेंड हमारे एजम्पन्स आती है वो कहती है कि जो भी मेलवेयर है सपोज द मेलवेयर इन द वर्चुअल मशीन और वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअल सॉफ्टवेयर अगर उसके अंदर कोई वायरस है कोई मेलवेयर है तो अगर वो एस्केप करना चाहे अगर वो एस्केप करना चाहे उस वर्चुअल मशीन से उस वर्चुअल सॉफ्टवेयर से और वो एस्केप करके हमारे सिस्टम को हार्म करना चाहे तो वो नहीं कर सकता तो ये जो है कुछ वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी की कुछ एजम्पशन होती है जो कि वर्चुअल मशीन के टॉपिक को कंप्लीट करती हैं थैंक यू